हाय फ्रेंड्स, मैं उदय भान मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम 1 to 100 नंबर को प्रिंट करना सीखेंगे सी लैंग्वेज में। तो जैसे हमें 1 to 100 लैंग्वेज को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम हेडिंग के लिए हम प्रिंटअप उसका डबल स्लैश का यूज करके और जो हमें हेडिंग लिखना है वो लिखेंगे। तो हमें प्रिंटअप 1 to 100 हमने वो लिख दिया, हेडिंग लिख दिया। उसके बाद में फिर हम 1 to 100 प्रिंट कराने के लिए सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे। तो हेडर फाइल हमारी क्या होगी, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इंक्लूड हैज इंक्लूड स्टूडियो कोनियो डॉट एच। उसके बाद में तो अब इन हेडर फाइल का यूज क्या है, तो ये हेडर फाइल पहले जान लेते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड, फिर कोनियो डॉट का यूज हम करते हैं स्क्रीन को क्लीन करने के लिए, और गेट फंक्शन का जहाँ यूज होता है वहाँ पर हम कोनियो डॉट एच का हेडर फाइल का यूज करते हैं। फिर सेकंड में हम आते हैं जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से। तो मेन हमारा जो इनपुट हमें डाटा टाइप बताना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के वैल्यू आप आउटपुट करा रहे हो। तो हम इंटीजर इनपुट करा रहे हैं, इसलिए हम इंट का यूज यहाँ पर किए हैं। तो इंट मेन का हम यूज करते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें लॉजिक क्रिएट करना होगा कि हम किस प्रकार से इसे 1 to 100 प्रिंट कराएं। तो 1 to 100 प्रिंट कराने के लिए हमें सबसे पहले ये लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा कि जैसे हमें 1 to 100 प्रिंट कराना है तो 1, 2, 3, यानी कि हर बार किसी नंबर में कोई कांस्टेंट ऐड हो जाया करे। जैसे 1 हुआ, 1 में हम फिर ऐड करें 1, 2, फिर 2 में 1 ऐड करें, 3, ऐसे एक एक वैल्यू। तो इस तरह के हम प्रोग्राम करने के लिए या इस तरह के बार बार हम किसी कांस्टेंट को ऐड कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक लूप यूज करते हैं। अब लूप 3 प्रकार के होते हैं, फॉर लूप होते हैं और डू व्हाइल लूप होते हैं और व्हाइल लूप होते हैं। तो जहाँ पर हमें वो बताना होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ हमें पता होता है उसका, और एंड पॉइंट यानी कहाँ तक हमें एग्जीक्यूट कराना है प्रोग्राम को, तो वहाँ हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए कोई वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल हम आई ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, इसे कहाँ से स्टार्ट इनिशियल पॉइंट बताएंगे। तो आई इक्वल टू 1, उसके बाद में हम सेमी कॉलम का यूज करेंगे। फिर हम बताएंगे कंडीशन की कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। तो आई कंडीशन कहाँ तक होनी चाहिए, आई से हमारा क्या वो 100 से क्या होना चाहिए, छोटा या इक्वल टू 100 के। उसके बाद में फिर हमें इंक्रीमेंट का यूज करना होगा। तो आई हमें इंक्रीमेंट कितना करना है, हर बार इंक्रीमेंट कितना करना है, 1, उसके लिए हम इंक्रीमेंट साइन का यूज करेंगे। उसके बाद में हमारा फॉर लूप यहाँ से कंप्लीट होगा। जब मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो बार बार हमें रिपीट कराना है, उस फंक्शन को हम ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो हमें बार बार रिपीट कराना है, किसी चीज़ को प्रिंट कराना है। अब वो प्रिंट ऑफ परसेंडी इंटीजर प्रिंट कराना है, इसलिए हम परसेंडी का यूज करेंगे। और उसके बाद में न्यू लाइन के लिए, कि हर न्यू लाइन में प्रिंट हो, उसके लिए ब्लैक स्लैश एन का यूज करेंगे। और उसके बाद में हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फिर हमें क्या प्रिंट कराना है, आई को प्रिंट कराना है। फिर आई को हमने इसके अंदर लिख दिया, सेमी कॉलम का यूज किए। उसके बाद में हम फिर गेटअप और सी एच का यूज करेंगे। गेट सी एच का यूज किए, उसके बाद में रिटर्न यूज किए। फिर आउटपुट हमारा जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा, 1, 2 करके 100 तक हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये हमारा फॉर लूप 100 टाइम तक चलेगा। जब हमारा 100 से ये वैल्यू कंडीशन हमारा
नहीं फॉलो करेगा या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा इस आई के लिए, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।